जय हिंद दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि एक टॉपर के टॉपर बनने के पीछे की क्या सीक्रेट होती है? तो मेरी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी, मतलब जैसे बहुत पूछते स्ट्रैटेजी क्या है या कितने घंटे पढ़ते थे, मैंने ऐसे घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं की। घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं। What you need to do is this. You need to empower your intelligence. अब तुम बोलोगे, सर ऐसा थोड़ी होता है, टॉपर तो बस पढ़ाई करके मेहनत करके टॉपर बन जाता है। अरे नहीं मेरी जान, टॉपर के टॉपर बनने के पीछे की बहुत बड़ी सीक्रेट होती है जो तुमको नहीं पता है। हालांकि ये बात खुद उस टॉपर स्टूडेंट को भी नहीं पता होती है जिसे 99 या 98% आती है। टॉप करोगे या इतने ज्यादा नंबर आएंगे आपको? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे पहले तो 500 में से 499, can you beat that? How was that possible? I really don't know myself. It's been very shocking for me as well. ये बात तो उसको तब पता चलता है जब उसका रिजल्ट आता है और वो देखता है कि वाह, मैं तो पूरे क्लास में टॉप कर गया। लेकिन पूरे साल भर सोच के देखो, तुम्हारा ही एक दोस्त किसी तरीके से पढ़ाई कर रहा है जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, जाने अनजाने वो कुछ ऐसी स्टेप्स को फॉलो करता है, एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाता है जो उसको टॉपर बना देता है। आई थिंक फ्रॉम द बिगनिंग मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा होगा कि अगर तुम्हारे हाथ में वो सीक्रेट या स्ट्रैटेजी लग जाए तो तुम भी टॉपर बन जाओगे? तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 टॉपर के सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आपको कोई भी इंसान नहीं बताएगा। और इस चीज को अगर तुम फॉलो करते हो थ्रू आउट द ईयर अपने एग्जाम से पहले, तो तुमको भी एक टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसका मैं तुमको वादा करता हूं। अब सुनो मेरी बात। देखो, सबसे पहला जो टॉपर बनने का सीक्रेट है, सबसे पहला स्ट्रैटेजी है, वो है कि आपको रूल ऑफ कंसिस्टेंसी को समझना पड़ेगा। अब ये रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? देखो, जब भी कोई बच्चा अपने क्लास में टॉप करता है ना, जब भी कोई बच्चा 98-99% लाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो एक रात पहले पढ़ के टॉपर बन गया, एक रात पहले पढ़ के 99% ला दिया। नहीं, मैंने बार बार बोला है, एग्जाम के थोड़े टाइम पहले पढ़कर तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन तुम टॉपर नहीं बन सकते हो। टॉपर बनने के लिए तुम्हें डे वन से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डे वन से। अब तुम शायद ये वीडियो मेरा अपने क्लास के बीच में देख रहे हो, अपने सेमेस्टर के बीच में देख रहे हो, तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है या एग्जाम से थोड़ा पहले टाइम चल रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे तक देखो। तुमको लास्ट के टाइम पे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर अभी तुम अपने क्लास के शुरुआती फेज में हो तो तुमको पहले दिन से कंसिस्टेंट रहना है। फर्क नहीं पड़ता कि 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, ये सब फालतू की बात है। नहीं, जरूरी नहीं है। आपने बार बार सुना होगा बहुतों के मुंह से कि तुमको 10 घंटा पढ़ना है, तुमको 15 घंटे पढ़ना है, तब जाकर तुम टॉपर बनोगे। नहीं, तुमको मात्र 2-3 घंटा पढ़ना है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे घर पे किसी की शादी आ जाए, चाहे कोई फेस्टिवल आ जाए, कोई छुट्टी हो जाए, कुछ भी फंक्शन हो, तुमको अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। तुमको हर दिन पढ़ना है, भले तुम 3-4 घंटा ही पढ़ो, लेकिन हर दिन तुमको सेल्फ स्टडी करना है अपने स्कूल और कोचिंग के अलावा, तब जाकर तुम एक टॉपर बन पाओगे। ओके, इसके बाद जो दूसरा सीक्रेट होता है टॉपर बनने का, वो है भैया द 10-मिनट रिवीजन रूल। अब बोलोगे, सर ये 10-मिनट रिवीजन रूल क्या होता है? इट इज वेरी सिंपल। इसको ऐसे समझो, जब भी तुम कोई चीज पढ़ते हो और उसको पढ़ने के बाद जब तुम दोबारा उसको 1-2 महीने बाद उसको खोलकर पलटते हो, तो बहुत केस में ऐसा होगा कि तुम्हारे दिमाग से वो चीजें निकल चुकी होंगी, तुमको दोबारा उसको पढ़ना पड़ रहा होगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को तुम इलिमिनेट कर सकते हो मात्र 10 मिनट के रिवीजन से। वो कैसे? देखो, जब भी कोई चीज तुम पढ़ो, जब भी कोई चीज तुम कोचिंग में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो या फिर सेल्फ स्टडी करो, उस चीज के पढ़ने के बाद तुम एंड में मात्र 10 मिनट के लिए, अपने पूरे पढ़ाई को खत्म होने के बाद 10 मिनट के लिए डेली उस टॉपिक को एक बार पढ़ लो। मान लो कि आज तुम कोचिंग गए, आज तुम स्कूल गए, स्कूल में तुमने 6 घंटे पढ़ाई करी या फिर 2 घंटे तुमने जाके ट्यूशन में पढ़ाई करी। अब ट्यूशन से आने के बाद तुमको अपना किताब कॉपी खोल के रख नहीं देना है, तुमको मात्र 10 मिनट के लिए बैठना है और फिर से जो भी तुमने स्कूल कोचिंग कॉलेज में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए, मात्र 10 मिनट के लिए। और वो जो 10 मिनट का रिवीजन होगा ना, जो तुम डेली करोगे अपने पढ़ाई करने के बाद, वो रिवीजन तुम्हारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देगा। और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है पता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी वो मेमोरी होता है जब तुम कोई आज पढ़ रहे हो ना, तो तुम उसको 10 साल बाद तक याद रख सकते हो। ये पावर होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। तो तुम जब भी कोई टॉपिक, चैप्टर, कॉन्सेप्ट कुछ भी पढ़ो, उसके एंड में मात्र 10 मिनट के लिए उन सारी चीजों को दोबारा रिकॉल करो, देखना तुम्हारे दिमाग में वो चीज जिंदगी भर के लिए छप जाएंगी, इसका मैं तुमको वादा करता हूं। अगेन, अब जो थर्ड नंबर, जो गोल्डन सीक्रेट है, जो कोई भी टॉपर तुमको कभी नहीं बताएगा, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना, उनको फोकस्टिनेट करना और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। नहीं समझे? कोई बात नहीं। तुमने PYQ का नाम सुना होगा, तुमने PYQ का नाम जरूर सुना होगा। इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब आज से पहले तुम्हारे क्लास के जितने भी पेपर्स आए हैं किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्लास के लिए, उन सभी क्वेश्चंस को तुमको देखना है
और उसमें से तुम्हें कोई नोट्स नहीं बनाना है, तुम्हें बस उस जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उससे बस तुमको एनालाइज करना है कि आज से पहले तुम्हारे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन रहे हैं, हर साल कंसिस्टेंसी के साथ सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आए। जब तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लोगे ना, जब तुम्हारे अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिमाग में छप जाएगा, तो कल को जब तुम्हारे एग्जाम के लिए देर हो रही होगी, जब तुम्हारा एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका होगा, जब तुमने कुछ भी नहीं पढ़ाई करा होगा, मान लो 1% भी, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जाने से ही तुम अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। इसीलिए तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मदद से यह पता करना है कि पास्ट में तुम्हारे उस सब्जेक्ट में से उस टॉपिक में से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा बार रिपीट किए गए हैं, और तुम्हारा मेजॉरिटी फोकस फिर उन टॉपिक्स पे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा बार क्वेश्चन आए हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स भी शायद उसी क्वेश्चन से तुम्हें मिल सकते हैं। क्लियर, वेरी गुड। इसके बाद फोर्थ नंबर जो स्ट्रैटेजी एंड सीक्रेट रहेगी स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे शायद अभी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की है, जिनका एग्जाम बहुत नजदीक है, जिनका एग्जाम होने वाला है, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक क्लियर नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपको क्वांटिटी से ज्यादा आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। देखिए, जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक होता है ना और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हुए हैं पास्ट में भी, बहुत सारे टॉपर भी ऐसे हुए हैं जिनके हो सकता है कि सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी पे फोकस करते हैं। देखो, जो आपका कोई बुक होता है ना, कोई सब्जेक्ट होता है, उसमें ना जाने कितने हजारों क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, कितने सारे टॉपिक्स उसमें से हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो शायद अभी तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है और आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। तो अगर आप अपने एग्जाम से पहले वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस करोगे, आप हर एक क्वेश्चन को अगर टच करने की कोशिश करोगे, तो शायद आप अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। आप चार नाव पे पैर रखने की कोशिश करोगे, आप जैक ऑफ ऑल बनने की कोशिश करोगे, जिस वजह से आपको कभी अच्छा स्कोर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, मतलब आपको उन टॉपिक्स को और अच्छे से अपने अंदर डालना है जो टॉपिक्स आपका ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, और अगर आपका एग्जाम बहुत नजदीक है तो आपको जो टॉपिक्स नहीं आता है उनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि कम समय में आप बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन कम समय में जो आपका पोर्शन स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करके और अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध कर डाल लो। क्लियर, वेरी गुड। अब एंड में जो फिफ्थ नंबर स्ट्रैटेजी है ना, वो ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है, जिसको मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूं, जिससे तुम एक टॉपर बन सकते हो। और इससे अगर तुम टॉपर बनते हो या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ, इन चीजों को फॉलो करके मैं टॉपर बन पाऊंगा, तो नीचे कमेंट करो, जिससे तुम्हें और तुम्हारे जैसे लाखों स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिल सके और ये मेरा मैसेज तुम तक पहुंच सके। तो कमेंट करो, ऐसा कमेंट करो जिससे बाकी बच्चों के अंदर भी जोश आ जाए और दिखा दो कि तुम भी अगली बार 100% फोड़ सकते हो, ये तुम मुझे वादा करो। क्लियर, वेरी गुड। अब फाइनली जो फिफ्थ नंबर स्ट्रैटेजी रहेगी, फिफ्थ नंबर सीक्रेट, वो है कि आप जब एग्जाम के बहुत नजदीक हो तो उस समय आपको स्टडी अलोन करना है, स्टडी अलोन, ना कि आपको ग्रुप स्टडी करना है। अब बोलोगे, सर आप हमें ग्रुप स्टडी करने से मना कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ग्रुप स्टडी करके फोकस मिलता है, अगर आपको ग्रुप स्टडी करके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप कीजिए। लेकिन जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक होना, तो उस समय जनरली ग्रुप स्टडी के केस में बहुत मस्ती मजाक होती है। देखो यार, मैं भी तुम्हारे टाइम से गुजरा हूं, मैं भी तुम्हारे फेस से गुजरा हूं, हमारे भी कई दोस्त हुआ करते थे जिनके साथ हम ग्रुप स्टडी करने जाते थे, हर कोई अपने सेक्शन का टॉपर हुआ करता था, लेकिन स्टिल जब हम पढ़ने बैठते थे तो मस्ती मजाक में 1-1.5 घंटा कब निकल जाता था किसी को नहीं पता था। अगर कोई बच्चा सीरियस डाउट पूछता भी है तो उसका दोस्त मजाक में लेता है, कोई ना कोई एक बच्चा ग्रुप स्टडी में ऐसा जरूर मिलेगा जो मजाक मस्ती के मूड में होगा और आपका जो सीरियस पढ़ाई वो डिस्टर्ब होगा। इसीलिए अगर आपको साल भर ग्रुप स्टडी करना है तो आप कीजिए, लेकिन जब आपका एग्जाम नजदीक आए ना, उस समय थोड़ा दोस्ती यारी को साइड रखिए, क्योंकि कल को जब अगर आपको अच्छा स्कोर नहीं आएगा ना, तो आपके ये दोस्त शायद ही आपका साथ देंगे, क्योंकि ये लोग बाहर पढ़ने चले जाएंगे, इनका करियर बढ़िया हो जाएगा और आप वहीं रह जाओगे। इसीलिए जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक है तो आपको अलोन होकर, फोकस्ड होकर, अपने कमरे में अपने आप को बंद करके पढ़ना है, और तब तक पढ़ना है जब तक तुम्हारे एग्जाम में तुम टॉपर ना बन जाओ, इसका तुम वादा अब अपने आप से करो। क्लियर, वेरी गुड। तो ये थे 5 सीक्रेट्स जिनको फॉलो करके तुम भी टॉपर बन सकते हो और तुम डेफिनेटली बनोगे, ये मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, पूरा 110%। ठीक है, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर तुम इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इतना मस्त कमेंट कर दो जिससे मजा आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।